हेलो दोस्तों, कैसे हो। स्वागत है मूवी स्टोरी चैनल में। इस मूवी का नाम 300 है। तो चलिए इसकी स्टोरी शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में देखते हैं, एक छोटा बच्चा होता है जो हाल में ही जन्म लिया था, जिसे एक आदमी द्वारा जांच पड़ताल किया जा रहा है। वो बच्चे को पूरी तरह चेक करता है। वो ये देखता है कि बच्चा पूरी तरह स्वस्थ है कि नहीं। अगर वो किसी भी प्रकार से अस्वस्थ होगा तो उस बच्चे को नीचे फेंक दिया जाएगा और उसे नहीं अपनाया जाएगा। आगे देखते हैं तो वो बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया है। उसे एक कठिन युद्ध कला सिखाया जा रहा है। वो अपने पिता के साथ लड़ता है और फिर आगे अब 7 साल का हो गया है। इनकी प्रथा के अनुसार इसे घर से बाहर अकेले जीवित रहकर दिखाना होगा। वो घर से चला जाता है और वो कई दिनों तक चीर देने वाली ठंड में सर्वाइव करता है। फिर इसी बीच एक खूंखार भेड़िया उस पर हमला करता है। वो बिना डरे उस भेड़िये का शिकार करता है और उसके बाद वह अपनी इस परीक्षा को पास कर लेता है। और वह जब वापस घर लौटता है तो उसे वहाँ के राजा के रूप में लोग स्वागत करते हैं। अब आगे देखते हैं तो वो काफी बड़ा हो गया था। उसका नाम लियोनाइडस था। अब उसके पास एक बेटा था। वो उसे युद्ध कला सिखा रहा था। उसकी रानी गोब्रो चिंतित थी क्योंकि प्रथा के अनुसार उसे भी वही इम्तिहान पास करना था। ये कहानी थर्मोपाइलिया के युद्ध के 1 साल बाद डेलियोस नामक प्राचीन स्पार्टा सैनिक लियोनाइडस के बचपन से लेकर स्पार्टा रिवाजों के जरिए उनको राजा बनाए जाने तक की कहानी सुनाता है। डेलियोस की कहानी जारी रहती है। आगे देखते हैं तो एक फारसी दूत स्पार्टा की दहलीज पर राजा जर्क्सीश के हुक्म से जमीन और पानी मांगने आया था। तभी रानी कहती है, बेवकूफों जैसी बातें मत करो, जो बोलना है खुलकर बोलो। फिर वह रानी से बदतमीजी से पेश आता है और राजा इनकार कर देता है। उसके इस पैगाम को वह राजा के इनकार करने पर धमकी देता है। फिर राजा उसके इस रवैये से दूत और उसके सिपाहियों को लात मारकर कुएं में गिरा डालता है। उसके बाद राजा लियोनाइडस जाते हैं और एक एफोस पुजारी से मिलते हैं ताकि वह ये रणनीति समझा सके कि वो उन फारसियों की विशाल सेना को देश के सीमा द्वार से पीछे हटा सकते हैं। योजना के मुताबिक वो ऐसी तंग गलियारे की दीवार का निर्माण करेंगे जिससे फारसियों की फौज चट्टानों और समुद्र के रास्ते फंस जाए। वो पुजारी फिर परामर्श के लिए ओरेकल की भविष्यवाणी सुनते हैं। ये पुजारी अपने फायदे के लिए सुंदर कुंवारी लड़कियों को अपने पास रखते हैं, जो अपना फरमान देती है कि कार्निया के वक्त स्पार्टाओं का युद्ध पर जाना सही नहीं होगा। ये सुनकर हताशा और गुस्से से भरा लियोनाइडस वापस लौट जाता है। फिर उनके पीछे जर्क्सीश का दूत आ जाता है, जो एफोस को उनके सहयोग के लिए बतौर इनाम देता है। आगे देखते हैं तो लियोनाइडस चिंतित था। फिर रानी के साथ समय गुजारता है और अगले दिन हालांकि एफोस की इजाजत के बिना ही अपनी स्पार्टन सिपाहियों को तैयार करता है। लियोनाइडस अपने चुने हुए 300 बेहतरीन सैनिकों को ले जा रहा था और तभी संसद का एक आदमी थेरान पूछता है। तो वह बहाना करता है और उन 300 सैनिकों को अपना अंगरक्षक बताता है और कहता है, बस हम टहलने जा रहे हैं। फिर रानी से मिलता है और आर्केडियंस के रास्ते चल पड़ता है। ये लोग आगे बढ़ते हैं तो तभी आर्केडियंस से इनकी मुलाकात होती है। वो इनके साथ शामिल होना चाहता था और राजा से कहता है, बस इतना ही सेना है तुम्हारे पास। तो राजा कहता है, तुम्हारे पास तो किसान, लोहार और बहुत से सामान्य नागरिक को लाए हो युद्ध करने के लिए, और मेरे पास सिर्फ लड़ाकू योद्धा है, इसलिए हमारे पास तुमसे ज्यादा योद्धा है। और फिर आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि वहाँ बहुत सारी लाशें थी जो फौसियों द्वारा मारे गए थे। उन्होंने किसी को भी नहीं छोड़ा था। ये लोग देखकर दंग रह जाते हैं। फिर आगे देखते हैं ये लोग फारसी जहाज देखते हैं और लड़ने के लिए तैयार थे। तभी तेज बारिश और तूफान के कारण उनकी जहाज डूब जाता है, जिसे देखकर ये लोग खुश होते हैं और थर्मोपाइलिया पहुंचकर वे चट्टानों की दीवार खड़ी कर देते हैं। तभी वहां एक फारसी दूत आता है और इनके सीपे सलाहकार से मिलने के लिए कहता है और इन्हें धमकी देता है। तभी रुक जाता है और मारे गए फारसियों की लाशें उन्हीं दीवार के बीच चुना हुआ देखता है। इस हरकत से फारसी दूत बुरी तरह क्रोधित हो उठता है। उन्हीं में से स्टेलियोस नाम का एक स्पार्टा सैनिक उन फारसियों को सीमा से वापस जाने को कहता है और वह दूत मारने जाता है। तभी एक स्पार्टा सैनिक उसका एक बांह को काट डालता और वह दूत सजा की चेतावनी देता है। फिर आगे देखते हैं तो इसी दौरान लियोनाइडस की मुलाकात एफियाल्टिस नाम के कुरूप स्पार्टावासी से होती है। वह राजा को खुफिया रास्ते के बारे में बताता है और बताता है कि उसकी माँ ने स्पार्टा के कानून अनुसार शिशु हत्या से बचाने के लिए वहाँ से भाग निकले थे वे लोग। एफियाल्टिस इसी मुक्ति के लिए वो लियोनाइडस के फौज में आने की दरखास्त करता है, लेकिन लियोनाइडस उसे बताता है कि वो फारसियों के लिए कभी भी बलि का शिकार हो सकता है, जिसके चलते पूरी स्पार्टा फौज घिर सकती है। उस पर तरस खाकर लियोनाइडस उसके शारीरिक अक्षमता को देखते हुए इनकार कर देता है, क्योंकि वो अपनी ढाल जरूरत के हिसाब से ऊंचा उठा नहीं पाता है, जिसके लिए सैन्य व्यूह रचना में ढाल जरूरी होता है। एफियाल्टिस ये सुनने के बाद बेहद खफा हो जाता है। अब आगे जल्द ही जंग शुरू हो जाती है, जब स्पार्टन हथियार समर्पण से इनकार कर देते हैं। एकमात्र प्रवेश मार्ग के तंग रास्तों का उन्हें बखूबी लाभ मिलता है और अपनी बेहतरीन युद्ध कौशल के बलबूते स्पार्टन अपने वेग से समूचे फारसियों को मार देते हैं और कुछ फौजों को लहर में नीचे धकेल देते हैं।
युद्ध तो थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसी दौरान वे तीर से हमला करते हैं। ये लोग ढाल के नीचे छिपे रहते हैं और फिर बाद में खूब लड़ते हैं। फिर आगे देखते हैं तो जर्क्सीज खुद लियोनाइडस से मिलकर आत्मसमर्पण करने को कहता है। उसके मुल्क के प्रति वफादारी को देख बदले में दौलत और ताकत का न्योता देने की लालच देता है। लियोनाइडस ये पेशकश ठुकराता है और उसके शूरवीर समझने वाले सिपाहियों को घटिया दर्जे का बताकर जर्क्सीज को बनावटी कहता है। फिर आगे इसके जवाब में जर्क्सीज अपनी अग्रिम रक्षकों को लड़ने भेज देता है जो बेहद खूंखार थे। वे इन पर भारी पड़ रहे थे लेकिन जी जान से लड़ते हुए स्पार्टा योद्धा और इसी बीच कुछ आर्कैडियंस को लड़ने के लिए बुलाता है। आर्कैडियंस लड़ते कम चिल्लाते ज्यादा थे। तभी लियोनाइड्स एक खूंखार राक्षस को मार गिराता है। ये सब देखकर जर्क्सीज गुस्सा होता है और इसके सैनिक कहते हैं अब हमें कोई नहीं हरा सकता। फिर अगली सुबह वो और खूंखार योद्धा भेजता है। ये लोग उनको हरा देते हैं और उसके खूंखार जानवर को भी मार देते हैं। फिर वो जंगी हाथी को भी शामिल करता है और ये लोग उसे भी नीचे गिरा देते हैं। जंग बढ़ता ही जा रहा था। इस बीच कप्तान के बेटे का सर कलम हो जाता है जिसे देखकर कप्तान बौखला जाता है और कतार छोड़कर निकल जाता है और खून का प्यासा हो जाता है और बुरी तरह उन फारसी योद्धा को मार गिराता है। आगे इधर देखते हैं तो नाराज एफियाल्टिस जर्क्सीज के पास जाता है और खुफिया रास्ते का भेद जर्क्सीज को बताने के लिए कहता है लेकिन एक शर्त पर कि वो उसे दौलत ऐशो आराम और एक सेना की वर्दी दी जाए। जर्क्सीज मान जाता है और वो खुफिया रास्ते का भेद बता देता है। फिर यह बात आर्कैडियंस को जल्द ही एफियाल्टिस की इस दगाबाजी का पता चलता है और वो इस बात को लियोनाइडस को बताता है और जंग रोकने लिए कहता है लेकिन राजा लियोनाइडस उसकी बात नहीं मानता है। आर्कैडियंस चले जाते हैं लेकिन स्पार्टन वहीं रह जाते हैं और फिर लियोनाइडस डिलियोस को वापस स्पार्टा जाने का हुक्म देते हैं और यहां घटित हर वाक्य स्पार्टन संसद में और हर किसी से विजय गाथा की तरह वाकिफ कराने को कहते हैं। डिलियोस उनके साथ जंग में शामिल रहना चाहता लेकिन वह वापस स्पार्टा चला जाता है। इधर स्पार्टा में रानी गोर्गो उन 300 सिपाहियों की सहायता के लिए स्पार्टन समिति से अतिरिक्त बल भेजने की गुहार लगाती है लेकिन भ्रष्ट राजनीतिज्ञ थेरान रानी के खिलाफ बोलता है। रानी पर लांछन लगाता है कि अपनी मांग मनवाने के लिए वो जिस्मानी संबंध का उपयोग करती है। मौजूदा सभा में थेरान को अपने खिलाफ बेइज्जती करते देख रानी गोर्गो गुस्से में आपा खोकर छुरा मारकर हत्या कर डालती है और तभी उसके लबादे में छिपा ज़ैकियस की सोने के मोहर वाली अशर्फियों भरा थैला नीचे गिर जाता है। तभी संसद के लोग थेरान को बेईमान करार करते हैं और रानी को अतिरिक्त बलों को भेजने की अनुमति मिल जाती है। इधर देखते हैं तो फारसी फौज एफियाल्टिस की बात मानते हैं उसके बताए खुफिया रास्तों से गुजरकर स्पाताओं को घेर लेती है। जर्क्सिस का सेनापति उनसे आत्मसमर्पण करने की मांग करता है और फिर कुछ समय बाद लियोनाइड्स ये सब देखकर अपना हथियार नीचे गिरा देता है। खुद को घुटने टेकते हुए दिखता है तभी स्टेलियोस उसकी पीठ पर कूदकर छलांग लगाता है और सेनापति को मार डालता है और ये देखकर जर्क्सिस अपने सिपाहियों को हमले के लिए आदेश देता है। तभी लियोनाइडस जर्क्सिस को मारने के लिए भाला फेंक डालता है और वह बच जाता है लेकिन भाला द्वारा उसका चेहरा जख्मी हो जाता है और साबित हो जाता है कि उनका तथाकथित देवताओं के राजा भी नश्वर है। और फिर लियोनाइडस और उसके बचे कुचे स्पार्टन योद्धा भी अंतिम लड़ाई लड़ते हैं और आखिर में बहुत सारी तीरों की भयंकर बौछार होती है और ये सभी मारे जाते हैं। फिर आगे देखते हैं तो डिलियोस स्पार्टा लौटता है, रानी को लियोनाइडस द्वारा दिया हुआ माला देता है, वहां से चला जाता है और फिर पूरी कहानी संसद में सभी को सुनाता है। फिर उसके बाद अपने राजा की कुर्बानी से प्रेरित होकर यूनानी अपनी 40,000 विशाल बलवान फौज और 10,000 स्पार्टाओं के साथ तैयार था। उन 300 लोगों की एक साल पहले दी हई कुर्बानी को याद करते हुए और उनके आखिरी बोल के साथ स्पार्टा फौज का नया कप्तान डिलियोस फारसियों से लड़ने प्लेटिया के मैदान में आगे बढ़ता है और मूवी यही समाप्त हो जाती है। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।